मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बुलाई गई कैबिनेट मंत्रियों की आपात बैठक को विपक्ष ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत सरकार के अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ठीक चल रहा होता तो बैठक क्यों बुलाई जाती। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद की बैठक के एक दिन बाद मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को विकास की बात करनी ही थी तो कैबिनेट की मीटिंग में विस्तार से कर लेते। आपात बैठक बुलाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो सरकार के स्थानीय नीति का फैसला हो या अन्य फैसले, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है और उसके तुरंत बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी 6 मंत्रियों के साथ आपात बैठक करते हैं और कहते हैं कि राज्य के विकास के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए उन्हें बुलाया था। तो हम तो उन्हें जानना चाहते हैं कि ये जो विकास का एजेंडा है वो तो कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा हो सकती थी, ये आपातकालीन रूप से इन मंत्रियों को बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। जाहिर बात है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस ने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो या स्थानीय नीति की बात हो सब मुद्दे पर सरकार का विरोध किया है, तो मुझे लगता है ये इसी का परिणाम है। एंड ऑल इज नॉट वेल विद द गवर्नमेंट। वहीं बीजेपी के आरोप पर विराम लगाते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सधी जुबान में कहते हैं कि सरकार कभी भी किसी भी वक्त बैठक बुला सकती है। ये बात बीजेपी को पता होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई बैठक कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब मुख्यमंत्री बैठक बुलाएंगे तो क्या बीजेपी से पूछने जाएंगे। इस कोरोना काल में बीजेपी के पास राजनीति करने का बहुत समय है। देखिए, ये सरकार के मसले होते हैं और सरकार कभी भी किसी भी वक्त मीटिंग बुला सकती है अपने कैबिनेट के लोगों, और वो बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी इस बात का इल्म होना चाहिए भाजपा के लोगों को। अब कोई सरकार अगर बैठक बुलाएगी तो क्या बीजेपी से पूछने के लिए जाएगी। अगर मुख्यमंत्री और कैबिनेट का मंत्री अगर सोने जाएगा, उठेगा, बैठेगा, बात करेगा, चित करेगा, मानसून सत्र के लिए मीटिंग बुलाएगा, तो इनसे पूछ के बुलाना पड़ेगा। इनको चिट्ठी दे देंगे पहले से अब से कि हम क्यों मीटिंग बुला रहे हैं। इतनी भी समझ नहीं है इनको कि सरकार की गंभीरता को महसूस करें। कोरोना के इस महामारी में राजनीति करने के बहुत वक्त आपके लिए होंगे, हमारे लिए वो वक्त नहीं है। हमारे लिए सरकार की गंभीरता इस बात को प्रदर्शित करती है कि कोरोना संक्रमण बहुत हो गए, हम उससे भी जंग जारी रखेंगे और जनसेवा के काम में भी जो योजनाएं हैं, चाहे पहले की हों चाहे बाद की हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बैठक हुई थी। अगर किसी लोगों को हर चीज़ में राजनीति समझ में आती है तो उनके बुद्धि और विवेक की न कोई चर्चा कर सकते हैं, न उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। बहरहाल अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि झारखंड में बेरमो और दुमका में उपचुनाव होना है। इसको लेकर सियासी गलियारे में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।